फतेहाबाद जिले में वीरवार को फायर ब्रिगेड की सेवाएं राम भरोसे हो गई। गाड़ियों को कार्यालय में ही छोड़कर कर्मचारी हड़ताल पर बैठ गए। फायर ब्रिगेड पहले से ही आपातकालीन सेवा है, सिर्फ किसी भी आपात स्थिति में कर्मचारी आग बुझा नहीं जाएंगे, छोटी मोटी घटनाओं पर नहीं जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज कर्मचारियों ने अब विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 86 अनुबंधित कर्मचारियों के अलावा 19 नियमित कर्मचारी भी हड़ताल पर चले गए हैं। दूसरी तरफ गेहूं का सीजन तेज हो गया है, खेतों में गेहूं कटाई का काम जोरों पर है। अगर कहीं आगजनी की घटना हुई तो बिना दमकल गाड़ियों के ही बुझानी पड़ेगी। अग्निशमन सेवा यूनियन के जिला प्रधान सतवीर सहारण ने आरोप लगाया कि फायर ब्रिगेड कर्मचारियों का 6 महीने का वेतन नहीं मिला, जिस कारण उनके बच्चे भूखे मरने की कगार पर हैं। उन्होंने कहा कि नया शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, बच्चों का स्कूल में एडमिशन करवाना है और पुस्तकें लेनी है, यहाँ तक कि उनके घर के बिजली के मीटर तक कट गए हैं, लेकिन विभाग ने सैलरी रोकी हुई है। हड़ताल पर हम इसलिए बैठे हैं कि जी आज 6ठा महीना चल रहा है और हमें फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है। हमारे बच्चों के भूख मरने की कगार पे पहुंच गए हैं। बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाना है, किताबें लेनी है, उसके लिए पैसे नहीं है। कर्मचारियों के बिजली के मीटर कट गए हैं और ये मांग पे नहीं बैठे हम, हमारा हक है वो मांग रहे हैं, लेकिन फायर अधिकारी जो है वो हमारी मांग नहीं सुन रहा, अनसुनी कर रहा है, इसीलिए मजबूरी बस आके हमें इस दरी पर बैठना पड़ा है। तो देखिए, कल हमने पहले तो यही फैसला लिया था कि हम दरी पर बैठे हैं और आग लगी चाहे कुछ भी हो हम हमारी हड़ताल के ऊपर रहेंगे, लेकिन फिर उसके बाद सभी जो किसान जो है उसकी फसल है वो सबकी फसल है, हमारा सबका वो अन्न जो है, अगर किसी प्रकार की इस प्रकार जान माल की कोई घटना होती है हम हड़ताल के ऊपर रहते हुए मदद करेंगे, वो आग बुझाएंगे, लेकिन उसके अलावा किसी भी काम में हम सहयोग नहीं करेंगे।